नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ टिप्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे अर्ली साइंस के बारे में, पांच ऐसे अग्रिम लक्षणों के बारे में जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, या हार्ट अटैक से पहले जो पांच लक्षण देखने को मिलते हैं उन लक्षणों के बारे में विस्तृत बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक आना एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंप्लेन है, एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको इन अर्ली साइंस के बारे में पता होना चाहिए, इन प्राथमिक लक्षणों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से इस हार्ट अटैक को समझ सकें, इस हार्ट से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को समझ सकें। और जितना जल्दी आप इसको समझेंगे उतना जल्दी आप पेशेंट की केयर कर सकते हैं, आप अपने जो फैमिली या फ्रेंड्स में जिनको इस प्रकार की तकलीफ होने वाली है उनको भी इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। आज हम उसी क्रम में बात करेंगे पांच ऐसे लक्षणों के बारे में जो कि हार्ट अटैक आने से पहले आपको देखने को मिलती है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में कि हार्ट अटैक आने से पहले जो साइंस आते हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उनको बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं और उनको किसी और बीमारी से रिलेटेड मानकर हम डॉक्टर को विजिट नहीं करते हैं, अपने फिजिशियन, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट नहीं करते हैं। और ऐसा करके हम अपने जो नियर हियर हैं, हमारे जो क्लोज वन हैं, उनकी जान को खतरे में डालते हैं। तो आज हम इन्हीं लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो होता है सांस का फूलना, यानी कि एक्जर्शनल डिस्निया भी कहा जा सकता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी भी प्रकार की खांसी, जुखाम या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे COPD या कोई ऐसा इन्फेक्शन, न्यूमोनिया वगैरह नहीं है, और आपको किसी भी प्रकार की अंडरलाइन कॉज नहीं होने के बावजूद अगर सांस फूल रहा है और विशेष करके एक्जर्शनल फूल रहा है, यानी कि आप जब भी किसी काम काज को करते हैं या आप थोड़ा पैदल चल गए या आपने कोई वजन उठा लिया तो आपका सांस फूलने लगा है, और जैसे ही आप रेस्ट कर लेते हैं तो थोड़ी देर में यह सांस का फूलना, ये इस प्रकार का जो डिस्निया है, सांस फूलने की समस्या है, इसमें आपको आराम लगने लगता है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आगे जाके आपको हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने नज़दीकी चिकित्सक से या अपने फिजिशियन या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए, एक बार उनको दिखा लेना चाहिए। दूसरा जो साइन होता है, दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है थकान, यानी कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है। यूजुअली कई कारणों से थकान महसूस होती है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आपकी शुगर लेवल जो है वो डाउन है, या हो सकता है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या आपको दूसरी समस्याएं जैसे कि विटामिन D3 की कमी है, B12 की कमी है, या अंडरलाइन कोई कॉज होता है तभी इस प्रकार की समस्या होती है। अगर आपने सारी जांचें करवा ली है, अंडरलाइन कोई कॉज या कोई बीमारी निकल कर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी आपको दिन भर थकान बनी रहती है, आपको दिन भर ऐसा लगता है कि जैसे लेट जाएं या रेस्ट कर लें, या आपको किसी काम को करने का मन नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ रही है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने चिकित्सक से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए, आपके कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लेना चाहिए। तीसरा जो प्रायर लक्षण देखने को मिलता है हार्ट अटैक से पहले वो होता है एंकल एडेमा। एंकल एडेमा का मतलब है आपके जो एंकल्स वाला एरिया है, जो आपके पाँव में, उसके आसपास आपको सूजन देखने को मिलेगी, और यह जो सूजन होती है यह विशेष करके पिटिंग टाइप का एडेमा होता है, यानी कि आप जब उसको उंगली से प्रेस करेंगे उस सूजन को तो उसमें गड्ढा सा बन जाएगा, और थोड़ी देर बाद में, कुछ मिनट्स के बाद में, वो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा और वो सूजन फिर से वापस से आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। अगर इस प्रकार की सूजन देखने को मिले तो हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है, और आपको
नजदीकी चिकित्सक से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। और भी कई बीमारियां हैं जिनमें कि इस प्रकार की सूजन देखने को मिलती है, तो अगर उस बीमारी से रिलेटेड कोई आपको अंडरलाइन कॉज नहीं है, अगर कोई बीमारी निकल कर नहीं आ रही है, तो पॉसिबिलिटी हार्ट अटैक की रहती है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की रहती है, तो नज़दीकी चिकित्सक को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ठीक रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। चौथा जो लक्षण देखने को मिलता है वो होता है हाइपर एसिडिटी या डाइजेशन डिस्टर्ब होना। तो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर हार्ट अटैक के केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि एसिडिटी की समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं। पेशेंट को सीने में जो है ऐसा लगता है जैसे हार्ट बर्न हो रहा है या सीने में जलन हो रही है, पेशेंट को गैस की समस्या या सीने में ऊपर की तरफ दबाव महसूस होता है, तो इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, पेशेंट को सुबह सुबह जो है नौजिया सा फील होता है, यानी कि उल्टी जैसा महसूस होता है, पेशेंट को पसीना आ जाता है, घबराहट बेचैनी होने लगती है, तो इस प्रकार की समस्या को पेशेंट हल्के में ले लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये गैस की वजह से ऐसा हो रहा है और नज़दीकी किसी मेडिकल स्टोर से गैस की दवा परचेज करके ले लेते हैं, तो उससे पार्शियल रिलीफ मिल जाता है और पेशेंट जो है इस बात को टाल लेता है कि डॉक्टर को बाद में दिखा लेंगे या डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत कहाँ है, ये तो गैस की समस्या है। तो ऐसा पेशेंट कई बार जो है गलत समझ लेते हैं या फॉल्स एक प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, गैस की समस्या अगर आपको परेशान कर रही है और इस प्रकार के लक्षण आपको अगर देखने को हाइपर एसिडिटी के और इन डिस्टर्ब डाइजेशन के अगर लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो नज़दीकी चिकित्सक से आपको एक बार सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए और आपको अपने हार्ट का चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए। हो सकता है कि ये हार्ट अटैक से पहले के साइन हो, उससे पहले के लक्षण हो और आप इसको नज़रअंदाज करके अपनी जान को ही खतरे में डाल रहे हैं। लास्ट जो लक्षण है, लास्ट जो हार्ट अटैक से पहले लक्षण देखने को मिलता है वो होता है एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि सीने में दर्द। सीने में दर्द आना एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जो कि हार्ट अटैक की ओर इशारा करता है, लेकिन हम इसे कई बार जो है नज़रअंदाज कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है वो भी एक्जर्शनल होता है, जैसे एक्जर्शनल डिस्निया यानी कि सांस की दिक्कत जो चलने फिरने से या एक्जर्शन करने से होती है, सिमिलरली एंजाइना पेक्टोरिस भी उसी तरह से होता है। पेशेंट जब भी कोई कामकाज करता है या एक्जर्शन करता है तो उस टाइम उसको सीने में दर्द होता है और उसके बाद में जैसे ही पेशेंट रेस्ट कर लेता है या आराम कर लेता है तो उसको आराम महसूस होता है। तो मरीज़ कई बार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर लेते हैं कि मुझे सीने में दर्द तो हो रहा है, हो सकता है हार्ट अटैक हो, ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर जैसे ही रेस्ट करते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है, अब तो ठीक हो गया है, अब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत कहाँ है, मुझे तो आराम हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो ऐसा आपको एक फॉल्स प्रिडिक्शन नहीं करना है, आपको नज़दीकी चिकित्सक से जल्द एक बार सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक में इस प्रकार के 4 से 5 लक्षण आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। बॉडी आपको, आपका शरीर, आपकी जो बायोलॉजिकल जो एक सिस्टम है ये आपको पहले से इंगित कर देता है, पहले से आपको इशारा कर देता है कि आपको कोई ना कोई सीवियर ट्रबल होने वाली है, लेकिन आप इसको नज़रअंदाज कर लेते हैं, आप इसको गलत समझ लेते हैं और समय रहते हुए आप डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और आप अपनी जान को, अपने नियर हियर, आप अपने रिलेटिव या अपने परिवार के सदस्य की जान को जो है नुकसान पहुंचा देते हैं, अन ना चाहते हुए भी आप ऐसा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है और जैसे ही इस प्रकार के कोई साइन या सिम्टम आपको देखने को मिले तो एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, एक बार परामर्श ले लेना ही उचित रहता है, क्योंकि हार्ट अटैक के केसेस में ज़्यादा समय नहीं होता है। हार्ट अटैक आने से आपको विद इन 20 to 30 मिनट्स आपको अगर इलाज मिल जाता है 20 से 30 मिनट के अंदर, तब तो पेशेंट की जान बच सकती है, अदरवाइज आप अपनी जान को या अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से खतरे में डाल लेते हैं। तो इस प्रकार के जो है फॉल्स आपको
चीज़ें नहीं करनी है, और समय रहते हुए डॉक्टर से विजिट ज़रूर करिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, नज़दीकी फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। ऐसा करने से आप इन सभी खतरों से जो हार्ट से रिलेटेड है पूरी तरह से बच पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख पाएंगे। और मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने बड़े बुजुर्गों से एक बार शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे द्वारा दिए गई इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें तो मुझे भी थोड़ा सा बल मिलता है, मुझे भी वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।